हाची सर वे और माई स्किल दोनों स्टार्ट किया। पोर्ट आपने देख ली 82 है। ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पर आपने लोकल होस्ट कर कर पीएचपी माय एडमिन खोल लेना, ठीक है। यहाँ आप जब हम डेटाबेस का काम करेंगे तो ये वाला वर्क होगा। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि सी में जाने के बाद जैम के फोल्डर एच टी डॉक्स और इसके अंदर जो लास्ट मैंने काम करवाया था वो क्या था मेरे पास ऑनलाइन शॉपिंग, ये वाला फोल्डर बना हुआ था, ठीक है। इसमें एक मैंने टेबल करवाया था, एक इंडेक्स का पेज था और एक मैंने इमेजेस का फोल्डर बनवाया हुआ था, ठीक है। अब आप दूसरा फोल्डर बना के नेक्स्ट लेक्चर का उसमें काम करेंगे। यहां पर आपके पास विजुअल कोड ओपन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जो लास्ट वर्ड था हमारा वो ये यहां पे आया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर जाहिर सी बात है दूसरा फोल्डर ओपन करना है या दूसरा फोल्डर बनाना है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ और इसका नाम मैंने रखा हुआ है लेक्चर टू, ठीक है। मैंने फोल्डर का नाम क्या रखा है, लेक्चर टू। तो मैं यहाँ पर आकर फाइल पे सबसे पहले क्लोज फोल्डर करूंगी जो पुराना काम है, ठीक है, और यहाँ आके ओपन फोल्डर करूंगी। और ओपन फोल्डर में जाकर आप उसी पैटर्न से जाओगे, दिस पीसी सी जैम एस्टीरॉक्स, ठीक है, और लेक्चर टू को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इतना करो बस। यहाँ पर वीएनजी पे यहाँ पर आपने क्या लिखोगे, लोकल होस्ट इस तरह करके, और जो फोल्डर का नाम है ना लेक्चर टू स्लैश एंटर। अब इसके अंदर कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास इस तरह आएगा, जब तक इसके अंदर इंडेक्स का पेज नहीं डालूंगी नहीं आएगा, या कोई और फाइल डालूंगी तो नीचे, अगर कोई और फाइल डालूंगी तो नीचे फाइल्स के नेम आ रहे होते, ठीक है। तो आपने ये फोल्डर का नाम डालना होता है लोकल होस्ट 82 और जो भी एच टी डॉक के अंदर फोल्डर है, अगर इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है तो आप उसका भी नाम लिखेंगे, समझ में आई बात। और अगर उसके अंदर फाइल है तो फिर वो वहां से एक्सेस होती है, ठीक है। ऊपर ठीक है, मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और इस फाइल का मैंने नाम रखा है इंडेक्स डॉट पी एच पी, क्या रखा है इंडेक्स डॉट पी एच पी, सही है। और आप ब्राउजर खोलोगे या रिफ्रेश करोगे तो आप डायरेक्टली इंडेक्स डॉट पी एच पी चल रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपने सबसे पहला जो काम करना है वो हमें ये काम करना है कि मैंने यहाँ पे अपना टेम्पलेट जो भी है वो मैंने यहाँ ये लगा दिया, सही है। और यहाँ मैंने लिख दिया है पीएचपी लेक्चर हो गया है, इसका टाइटल आ गया, सही है। यहां मैं आ रही हूं, यहां पर मैंने आपसे कहा है कि मुझे जो चाहिए वो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए चाहिए ना, स्ट्रिंग की लेंथ। तो मेरे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा, बटन होगा जिसके बिहाफ पर मैं चीजों को मालूम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहां पे काम करा, मैंने लिया है एक फॉर्म, मेथड क्या है उसका पोस्ट, ठीक है। एक्शन नहीं है, एक्शन हटा देना है, ठीक है। एक्शन में पोस्ट नहीं लिखना, ये मैं पहली बता रही हूं, ठीक है। इसके अंदर जाकर मैंने सबसे पहला काम जो करना है वो लेना है बूटस्ट्रैप 4 फॉर्म डैश इनपुट टेक्स्ट, ले लिया मैंने स्मॉल वाला यहां से हटा दिया, यहां मैंने लिखा एंटर एनी स्ट्रिंग या एंटर योर टेक्स्ट, ठीक है टेक्स्ट। अब मेरी बात गौर से सुनो, सही है। ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। बाकी मेरे पास यहाँ पे किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत होती तो मैं लगा लेती, सही है बात समझ में आई। सिर्फ मैंने अभी ये लगाया, मेरे पास इस तरह आ रहा है।
रहा है तो हम यहाँ पर क्लास लगा देंगे. क्या लगा देंगे? क्लास लगा दूंगी मैं. और क्लास के अंदर मैंने ये कह दिया कि मेरे पास ये कॉल डैश एमडी डैश 4 है. मेरा फोकस प्रोग्रामिंग पे है, डिजाइनिंग पे नहीं है अभी. अगर मैं डिजाइनिंग पे होगा तो मैं प्रॉपर कंटेनर रॉ फिर कॉलम लूंगी. समझ में आई बात? अभी हम सिर्फ प्रोग्रामिंग पे फोकस कर रहे हैं. समझ में आई? अब मुझे इसके साथ बटन चाहिए. मैं एक बटन लगाना चाहती हूँ स्ट्रिंग की लेंथ. दूसरा बटन लगाऊंगी वर्ड काउंट. तीसरा बटन लगाऊंगी स्ट्रिंग रिवर्स का. समझ में आई बात? तो मैंने यहाँ पे कितने बटन बनाने? फिलहाल 3 बटन बनाने. बूटस्ट्रैप 4 ठीक है, डैश फॉर्म डैश सबमिट ठीक है. टाइप तीनों की सबमिट ही रहेगी. टाइप तीनों की सबमिट रहेगी. यहां पर मेरे पास क्या है? स्ट्रिंग लेंथ कॉपी करा मैंने. अभी बटन का नाम भी देना है. सही है, अभी मैं सिर्फ इसकी हेडिंग दिखा रही हूं आपको. वर्ड काउंट और स्ट्रिंग रिवर्स. सही है, अभी सिर्फ देखो इसका डिजाइन देखो. आ रही है तीनों मेरे पास यहां पे ठीक है. अब यहां पर मुझे हर बटन का नेम देना. जाहिर सी बात है बिना नेम के तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन सा बटन क्लिक हुआ है. तो मैं यहां पर लगाऊंगी BTN. शॉर्ट रखते नाम, हमेशा शॉर्ट रखते हैं ठीक है. इसी तरीके से नेम इज इक्वल टू BTN काउंट और इसी तरीके से नेम इज इक्वल टू BTN रिवर्स ठीक है. मैंने कहा स्पेलिंग सही कर दूं वरना फिर कहोगे मेरी स्पेलिंग गलत है. सही है, ये लिख लिया. इस तरह अब मैं यहां पर कुछ भी टाइप करूं ठीक है. और मैं लेंथ पे क्लिक करूं तो नीचे मेरे पास लेंथ आनी चाहिए. जब मैं वर्ड काउंट पे क्लिक करूं तो मेरे पास अगर कोई वर्ड ऐसे लिखा हुआ है. कितने वर्ड हुए देख के नजर नहीं आ रहा वर्ड. अब मैं रिवर्स करूं तो ये सारे रिवर्स हो जाने चाहिए. समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? यहां पर फॉर्म डिजाइन हुआ आपका. सही है, ऊपर अभी कोई पीएचपी का कोड नहीं. पीएचपी का कोड कहाँ लिख रही हूँ मैं? फॉर्म के बाद. कहीं भी लिख सकते हो, पीएचपी का कोड कहीं मना नहीं है ठीक है. लेकिन एंड एन ओपन टैग लाजमी लगाना है उसका ठीक है. आप इसको हेड में लिखो, हेडर में लिखो, फुटर में लिखो, कहीं भी लिखो, आप पीएचपी का कोड लगा सकते हो. अब कंडीशन मेरे पास बटन 3 है तो मेरे पास बटन, अगर मेरे पास 3 है तो कंडीशन मेरे पास कितनी बननी चाहिए? इफ की 3 बननी चाहिए हर बटन के लिए अलग अलग ठीक है. अब 3 दफा इफ लगाऊंगी तो बार बार चेक होगा. समझ रहे हो? अगर एक इफ लगाया और एक मैंने लगाया एल्स इफ तो अगर ये नहीं होगा तो ये होगा ठीक है. एल्स इफ में ये होता है कि अगर पहला वाला चल गया तो वो बाकी के दो को नहीं चेक करेगा. अगर कोई मिड वाला चल गया तो वो नीचे वाला नहीं चेक करता, वो वहीं ब्रेक हो जाता. लेकिन अगर मैं इफ लगाती हूँ इफ, तो अगर पहला एग्जीक्यूट हो भी गया ना तो वो नीचे वाले दो बाकी चेक करेगा. तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है. सही है, तो देख कर लगाना पड़ता है कहाँ पर मुझे किस चीज की जरूरत है. इस सेट यहां पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ये कैपिटल में ही रहेगा, केस सेंसिटिव है. अपनी मर्जी से इसको स्मॉल नहीं करना. समझ में आई बात?
BTN लेंथ है, एक BTN काउंट है, ठीक है, और BTN रिवर्स, ये तीन काम है, ठीक है, यहां पर मुझे काम करना, इसके ऊपर यहां पर मैंने एक डॉलर रिजल्ट बना लिया कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास अभी क्या है, एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी है, सही है। इसको प्रिंट कहाँ कराना है ये भी मैं बताती हूँ, कहाँ पर प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना, डिस्प्ले भी तरीके से करेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन है, डिफॉल्ट है ना फंक्शन हमारे पास, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट को गेट करूंगी, ये टेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है ना, मुझे क्या करना है, टेक्स्ट वैल्यू को पहले गेट करना है। तो मैंने यहां लिखा डॉलर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा मेथड पोस्ट है तो हम सारा काम किससे कर रहे हैं, पोस्ट से। अगर मेथड गेट होता तो पोस्ट की जगह मैं क्या लिखती, गेट लिखती। गेट एंड पोस्ट का डिफरेंस पता है, नहीं पता होगा, गेट एंड पोस्ट का, चलो बताऊंगी मैं, यहाँ पे गेट से भी काम होगा और पोस्ट से भी काम होगा, ठीक है। मैंने तीनों के अंदर पेस्ट कर दिया, तीनों के अंदर मैंने ये काम पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको ऊपर रख दूं, ठीक है, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन ये ऊपर मुझे रखना नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट है, ये बटन क्लिक करने पर मुझे वैल्यू गेट करनी है, पहले नहीं करनी। अच्छा, अब इसको मैं वैलिडेट करने के लिए यहाँ क्या लगा देती हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड, कि ये लाजमी फिल करना है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा जो मेरे पास डॉलर रिजल्ट है, लेंथ की बात हो रही है, तो स्ट्रिंग एस टी आर यानी ये सारे मेथड्स नजर आ रहे, ठीक है, अब ये सारे तो आपने यूज नहीं करने फिलहाल, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ ब्रैकेट, किस चीज की लेंथ मुझे मालूम करनी है, डॉलर टेक्स्ट की, किसकी, डॉलर टेक्स्ट की मैंने मालूम करना है, कर लिया मालूम। अब इसको मुझे डिस्प्ले कराना है, क्या करना है मुझे, इसको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले मैं इस पीएचपी की कोड के नीचे कर रही हूं, यहां पर मैंने एक हेडिंग फोल्ड लिया है, ठीक है, उसके अंदर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। हेडिंग फोर लेने के बाद इसके अंदर अगर मैं कुछ डिस्प्ले कराना चाहती हूँ तो मैं पीएचपी का कोड ऐसे लगाऊंगी, और यहाँ डिस्प्ले कराने के लिए आप लिखते हो इको, क्या लिखते हो, इको, क्या डिस्प्ले कराना है, जो रिजल्ट के अंदर आया, ठीक है, ये चीज याद है, समझ में आई ना। अब इसको हम यहाँ पे पहले चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एप्टेक स्ट्रिंग लेंथ कितनी आ रही है, 6, ठीक है, तो एप्टेक के जो वर्ड्स हैं वो टोटल कितने हैं, 6 है, ठीक है। आप यहाँ लिख दो कंप्यूटर स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, 8 है, यहां तक कोई इशू, ठीक है ना। इस पे क्लास लगा दो थोड़ी सी कि भाई ये मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर जाए, मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसी तरीके से जो मेरा रिजल्ट है स्ट्रिंग काउंट है, तो यहां मैं क्या यूज करूंगी, स्ट्रिंग काउंट का मेथड यूज करूंगी, ठीक है, और यहां मैं किसका यूज करूंगी, स्ट्रिंग रिवर्स का मेथड यूज करूंगी। इधर देखो, ये मैंने स्ट्रिंग वर्ड काउंट स्ट्रिंग रिवर्स यहां आए, अब मैंने लिखा है एप्टेक कंप्यूटर, ठीक है, इस वर्ड काउंट कितना है, 2, एक एप्टेक था और एक कंप्यूटर था, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा है कंप्यूटर
रिवर्स स्ट्रिंग इसका तो क्या है? कंप्यूटर। आखिर से स्टार्ट करेगा ना, ठीक है? समझ में आई बात? अब यहां मैंने लिखा एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है? वर्ड काउंट कितना है? 3, ठीक है? एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन स्ट्रिंग लेंथ कितनी है इसके अंदर? 25, ठीक है? इसके बाद इसको रिवर्स किया तो मेरे पास ये आएगा जी। बटन बना दिया था यहाँ पे, आपको कहा था सिर्फ यूसी वर्ड का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? यूसी वर्ड का। सेम ये चीज आपने पेस्ट करी, यहाँ पे आपने ये नाम उठाया और यहाँ पर आपने इस बटन का नाम चेंज कर दिया, ठीक है? मेथड कौन सा यूज करना था? यूसी वर्ड्स का। स्ट्रिंग रिवर्स की जगह में मैंने क्या लिखा? कितना टाइम लगा इसे करने में, ठीक है? यहां पर आने के बाद मैंने रिफ्रेश करा इसको। नाउ यहां मैंने स्मॉल में काम करना है, कुछ भी लिखा है पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। हो गया कैपिटलाइज? मुश्किल काम है। नहीं रखना। अब मैंने जो काम करना है वो स्ट्रिंग पोजीशन है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगी फाइंड, यानी आप यहाँ लिखोगे एंटर योर टेक्स्ट, नहीं फाइंड योर टेक्स्ट या फाइंड योर वर्ड या फाइंड योर कैरेक्टर, ठीक है? योर कैरेक्टर है, फाइंड योर टेक्स्ट कुछ भी लिख लो, टेक्स्ट टू फाइंड, ठीक है? टाइप योर टेक्स्ट टू फाइंड, मैंने ये यहाँ पे इसका नाम दिया। इधर मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू नहीं है, मेरे पास क्या है? टेक्स्ट फाइंड, इसका नाम क्या रखा है? टेक्स्ट फाइंड रखा है। बटन अब जो मैं बनाऊंगी वो क्या है? स्ट्रिंग पोजिशन है। क्या है यहाँ पे? तो मैंने यहाँ लिखा फाइंड पोजीशन, सही है? इस तरह। और अब यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा एल से कॉपी करा, नीचे ले जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। बटन का नाम क्या रखा है? बटन पोजीशन। यहां पर मैंने लिखा बटन पोजीशन, एक टेक्स्ट मैंने यहां उठाया था, दूसरा मुझे यहां क्या पिक करना है? फाइन, ठीक है? और इस वाले का जो नाम है मेरे पास क्या है? टेक्स्ट फाइन, वो मैंने कहां दे दिया? यहां दे दिया। अब स्ट्रिंग पोजीशन के अंदर जब मैं काम करूंगी तो मैंने यहां पे क्या देना है? STRS, ठीक है? स्ट्रिंग पोजीशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं, ठीक है? समझ में आई नहीं बात कि कहाँ से मुझे जो है वो इसको करना है और मेरे पास वर्ड क्या है और मेरे पास टेक्स्ट क्या है, ठीक है? तो मेरे पास एक है यहाँ पे डॉलर, ठीक है, टेक्स्ट फाइन, सही है? मैं बताती हूँ वैसे इसके ना कि कौन सा पैरामीटर कहाँ आता है। रुको कि पहले फाइंड लिखेंगे कि टेक्स्ट लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पर आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटर, यहाँ मैंने क्या लिखा है? पी। फाइंड पोजीशन क्या आया? आया क्या? मैंने पी लिखा ना, 0, 1, 2, 3। अब मैं यहां लिख रही हूं आर, क्या लिखा है मैंने? फाइंड पोजीशन
सेवन इंडेक्सिंग या जो भी चीजें हैं वो जीरो से स्टार्ट होगी। हाँ, अब मैं अगर यहाँ लिखती हूँ कंप्यूटर और मैंने यहाँ क्या लिखा है सी जीरो। इसी के बाद मेरे पास एक और मेथड बना हुआ है, वो तुम अब खुद करोगे, सही है? अब बुक के अंदर 15 है तो 15 नहीं कराऊंगी मैं, 5 मैं कर, 7-8 मैं करा लूंगी, बाकी तुम खुद करोगे, ठीक है ना? इतनी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का मतलब स्पेसिफिक फिक्स है, सही है? इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये बने बनाए, ठीक है? मैंने यही पैराग्राफ वाले को कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा। अब मैंने कहा आपके पास फाइल है, ठीक है, जो चीज जैसे है इसको वैसे ही लिखनी है आपने, ठीक है? यहाँ रिफ्रेश करा, कंटिन्यू करा। अब इसने मुझे बता दिया कि कौन से फोल्डर और कहाँ पाथ पे मौजूद है। बात समझ में आई? तो बाकी के भी इसी तरह प्रिंट होंगे और इनकी डिटेल प्रिंट होगी। समझ में आ रही है बात? लाइन नंबर क्या है, फाइल पाथ क्या है, ये आप इस तरह यहाँ पे देते जाओ, सही है? ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, मैजिक कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं, इनको सिर्फ लिखते हैं और ये आपको पूरी पूरी डिटेल्स दे देते हैं, बिल्ट इन है ये। चुप तो करो। कॉपी करा मैंने यहाँ पे, पेस्ट करा और मैंने यहाँ लिख दिया बटन स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या मालूम करना है मुझे? स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है? आ रहा है ये बटन मेरे पास स्क्वायर रूट का। अब मैं यहाँ टेक्स है या नंबर है जो भी है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे स्लैश लगा के लिख देती हूँ नंबर, ठीक है, ताकि मेरा थोड़ा सा यूआई का लेआउट चेंज हो जाए। अब मुझे जो भी यहाँ नंबर लिखूंगी मेरे पास उसका मुझे स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है? तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे इसी तरह एल्स इफ का क्या बनेगा, मेथड बनेगा, वैल्यू सिर्फ एक ही उठेगी, ठीक है? रिजल्ट के अंदर आएगा आंसर, तो वो मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, जो भी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सब खुद आता है, ठीक है? और अगर पाई यूज करना होता है तो डायरेक्टली सिर्फ पाई की वैल्यू इको करा देते हैं, ठीक है? पाई के फंक्शन में कुछ नहीं जाता। यहाँ आने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास है 24 कुछ भी है स्क्वायर रूट, ठीक है? बटन चेंज हुआ भी है नहीं हुआ, 23 डिस्प्ले नहीं हुआ, सेव किया है मैंने या नहीं, नहीं ना, बटन का नाम तो चेंज किया है नहीं, हाँ बटन स्क्वायर रूट कॉपी बटन, वही कह रही हूँ कि क्लिक क्यों नहीं हो रहा बटन, 24 आ गया, सही है? एट का, ठीक है, 18 का, किसी का भी निकालोगे निकल जाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ आप निकाल सकते हो। इसी तरह आप डिफरेंट बटन्स बनाएंगे, डिफरेंट मिनिमम मैक्सिमम जो निकालना चाहो लिख सकते हो। पाई की अगर मैं वैल्यू की बात करती हूँ तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ पाई वैल्यू, ठीक है,
और इसकी जगह पे मैं यहाँ ई को मैं क्या लिख दूंगी, पाई। ठीक है, नाउ रिफ्रेश, आ रही है यहाँ पे, समझ गए? कोई मुश्किल काम नहीं, ये सिर्फ बिल्ट इन फंक्शन है जो मैंने तुम्हें बताया है, सही है? तो जाहिर सी बात है लाइन नंबर इसलिए चेंज हुआ है जिस लाइन पर ये कोड जब जब मूव करता जाएगा ये लाइन नंबर चेंज होता जाएगा। मैं यहाँ से स्पेसेस खत्म कर दूँ, ये कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है, 79 हो गया ना, ये जो भी हुआ 79 89 जो भी हुआ, अब ये वो वाला लाइन नंबर दिखाएगा, सही है? समझ में आई बात? और कुछ काफी आज के लिए?